अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और वो है मदीना का सफर हमारा अलहमद वेलकम टू सिटी ऑफ मदीना ये बताइए कि मदीना किसका शहर था क्या फजीलत है उसकी ये तो आप सबको पता है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शहर बहुत महबूब था तो सबसे पहले जब जैसे भी आप मदीना के शहर में दाखिल होंगे ट्रेन के जरिए या अगर आप पहले मदीना जाते हैं तो बहरह आपने मक्का में भी दाखिल होते हुए मदीना में भी दाखिल होते हुए शहर में दाखिल होने की दुआएं मांगे और वैसे भी आप देखें कि अल्लाह से आसानी की दुआ हर जगह मांगे क्योंकि अल्लाह ही हमारी मदद करते हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करते हैं बाज़ा एक मुश्किल होती है लेकिन उसके साथ आपको बहुत सारी आसानियाँ भी इन नजर आएंगी जितना वक्त भी मदीना में रहे कसरत से नबी वसल्लम पर सलाम भेजें ये सबसे शॉर्ट वाला दुरूद है अलहली महमदिन मुहम्मदिन। उसके अलावा भी आप अगर दरुद इब्राहिमी यानी वो वक्त आपने खासतौर पर अपने दिल दमाग में रखना है कि अल्लाह के रसूल का शहर है उनको बहुत महबूब था तो मुझे इसमें ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजना है अपने प्यारे नबी पे अलहमदिल्ला आप मदीना मुनवरा में हैं मदीना में रहते हुए अपने आप को याद दिलाते रहे कि इस ज़मीन पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रहे इन गलियों में उन्होंने अपनी ज़िंदियाँ गुजारी तो आप देखें कई दफ़ा होटल में बैठते बैठे हुए या इधर उधर इंसान के दिमाग में कोई आती ना गलत बात या कोई शिकायत आती है तो मैं अपने आप को ये बात याद करवाती थी मैं कहती थी देखें ये वो शहर है और ये वो जगह है जहाँ के अल्लाह के रसूल चले सहाबा कराम थे और उन्होंने कितना प्रोडक्टिव वक्त गुजारा कितने शुक्र गुजार थे और हम छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं तो जब आप अपने आप को ये बात याद करवाएंगे ना तो इन आप दिख मुझे शिकायतें हमें होती ना कभी किसी से कभी किसी से तो उन चीज़ों को आप इनशाला कंट्रोल कर लेंगे इसी तरह अच्छे और मुस्बत अंदाज में वक्त गुजारें और अगर कोई मुश्किल आए तो उस पर सब्र करें वही बात है आप अल्लाह के रस्ते में फिर इसी तरह मस्जिद में दाखिल होते वक्त मस्जिद की सुन्नतों पे अमल करें एक तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ मांगें फिर दो नफल मस्जिद अदा करें ये आपने मस्जिद नबी में भी करना है और जब आप इंशाल्लाह शरम में अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहां भी आपने ऐसे ही करना है कि जब भी आप मस्जिद में दाखिल हों दुआ मांगें और दो नफल मस्जिद अदा करें अब देखिए ये ना चीज़ें हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपने पास एक रिमाइंडर कार्ड या कुछ लिख लें कि जैसे मुझे मस्जिद में, में जाना है तो क्या करना है अपने हाथ से अगर दुआ लिखेंगे तो कभी नहीं भूलेगी इसी तरह मुनासिब रफ्तार से चलें और मस्जिद की गुरमत और आदाब का ख्याल रखें भागे ना ना धिक्के दें लोगों को आराम से चलें और दूसरों को रास्ता दे दें बाज लोग बहुत जल्दी में होते तो मैं तो हट जाती थी मैं कहती थी चलो कोई बात नहीं उनको जो है वो जगह दे दें आप देखिए नवाफिल तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं ना क्योंकि मस्जिद जैसे आप अगर खाना कबा में जाते हैं वहां पे आप तवाफ भी कीजिए लेकिन अगर नवाफिल का वक्त है तो आप जितने मर्जी नफल अदा कर इन दोनों मसाजिद में मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में आप कोई भी इबादत करते हैं तो आम मसाजिद से उसका जरूरसा बहुत ज्यादा है इसी तरह आप देखिए कि मस्जिद की सफाई को कायम रखने मददगार बने यानी आपने आप इनशाला देखेंगे कि कितनी ज्यादा सफाई मेंटेन की जा रही है तो आपने ना उस चीज को सपोर्ट करना है आपने कोई गंदगी नहीं फैलानी और अगर आप कोई गंदगी देखें कोई चीज गिरी भी देखें तो साफ कर दे ताकि आपका हिस्सा डल जाए मस्जिद की सफाई में फिर आप देखिए कि जब आप मस्जिद में दाखिल हो तो आप ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ जो हमने मस्जिद हराम में मांगी थी वही मांग लें इसी तरह एक ये भी दुआ आती है मुख्तु दुआएं हैं जो आप मांग सकते हैं फिर इसी तरह आप देखें कि जब आप मस्जिद में जाएंगे तो उसमें दाखिल होने से पहले ऐप अपनी खोल लीजिए तवक्कल ना क्योंकि एंट्री पे सिर्फ आपकी ऐप चेक होती है अलहमदल आपको मस्जिद नबी में परमिट लेने की जरूरत नहीं नमाज पढ़ने के लिए आप कैसे वो तवक्कल ना का ऐप उस सब देखेंगे तो मस्जिद नबी के हर दाखिले बाहर निकलने पर आपको ये ग्रे यूनिफॉर्म में अमला और, और ये सबस कंट्रोल इस तरह के ना बे बैरिक से नजर आएंगे जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हमला आपकी ऐप आप चेक करते बाज़ा करते और बाज नहीं भी करते अलहमदुल्ला मस्जिद रबी नमाज़ पढ़ने के लिए किसी इजाजत की ज़रूरत नहीं है सिर्फ ना ऐप आपको चाहिए और कतार में शामिल होने से पहले से खोल लें क्योंकि इसे लोड होने में थर्टी सेकेंड्स लगते हैं क्योंकि वो आप जैसे ही खोलते हैं ना तो वो लोड होता है थर्टी ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तो आप पहले से मेक श्योर कर लें कि वो खुला हुआ हो ताकि उनको अगर उन्हें चेक करना है तो फौरन से देख सकें फिर इसी तरह मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने की कोशिश करें अगर आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो अपने वक्त की बंदी करें और मस्जिद तो अजान से पहले पहुंचे अगर आपने फजर की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़नी है तो 45 मिनट्स अजान से पहले पहुंच जाए और अगर आपने जोहर असर मगरबरीशा की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़नी है तो 30 मिनट्स पहले आप पहुंच जाए क्योंकि आप देखें इस टाइम के साथ आप जाएंगे ना तो आपको मस्जिद के अंदर जगह मिल जाएगी अभी ये हो रहा था कि जैसे अजान होती है ना तो मस्जिद के दरवाजे को लोग बंद कर देते हैं उसके आगे वो बैरियर्स लगा देते हैं आप मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते अगर आप चाहते हैं कि मस्जिद के अंदर जाए तो सारी नमाजों में अगर नहीं भी जा सकते तो जितनों में भी आप जल्दी जरा आ सकें अगर आप अजान के बाद या नमाज के वक्त के करीब मस्जिद पहुंचे तो बाहर नमाज पढ़ सकते हैं यानी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की तो आप पढ़ेंगे इनशा मस्जिद के अंदर अगर नई जगह मिली जैसे आप थोड़ा तो लेट हो गए अजान हो गई थी फिर आप पहुंचे तो बाहर उन्होंने कारपेट्स बिछाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह तो आप वहां पर नमाज अपनी पढ़ सकते हैं इसी तरह रियाजल जन्ना में नफल की अदायगी इसमें आपको परमिट की जरूरत जब मैं गई थी तो उस वक्त गेट नंबर थर्टी सेवन था लेडीज के एंट्रेंस के लिए लेकिन फिर भी एक दफा आप डबल चेक कर लीजिएगा कि यही गेट है या हो सकता है उन्होंने चेंज कर दिया हो ए तमरना ऐप पर आप आपको परमिट मिल जाएगा उम्र का दुआ करें और कोशिश करते रहे चाहे तमाम तारीखें ग्रे नजर आए वो उसे चंद मिनट के लिए खोलते आप देखें जैसे मैं जब गई थी तो मैं जब भी खोलती थी तो उसमें ग्रे आउट होता था यानी अभी मे तक कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है लेकिन एक हमारे साथ सिस्टर थी तो वो कहती कि मैं बार बार ट्राई करती रही तो एक दिन उन्होंने खोला तो उनको एक दिन का परमिट मिल गया था तो मुझे बाहर नहीं मिल सका अल्हम्दुलिल्लाह कदर अल्लाह लेकिन ये है कि आप ट्राई करते रहे तो इनशा अगर आप अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है तो आप जरूर फल पड़ेंगे लेकिन अगर आप देखें कि आपने कोशिश की और इजाज़त जैसे आपको नहीं परमिट मिला तो उसे अल्लाह की कदर समझ कर मान ले गलत नाजायज तरीके से जाने कोशिश ना करें मैंने आपको बताया ना कि बहुत लोग आपको मशवरे देंगे उल्टे सीधे तो आपने ये चीज याद रखनी है कि आप अल्लाह के रस्ते में हैं तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो अल्लाह ना नापरमानी का हो झूठ हो धोखा हो या गलत हो अगर आपकी नीयत थी आप गए और आपने आपको नहीं परमिट मिला आपने कोशिश भी की तो इन शाल आपकी कोशिश के मुताबिक आपको एज देंगे ठीक है अब आप देखिए कि जब आप मस्जिद में हैं तो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें जैसे कुछ टिप्स हैं मस्जिद में दाखिल होने निकलने की दुआ पढ़ें बैठने से पहले तहियतुल मस्जिद के नकल अदा करें जब तक अजान ना हो अल्लाह का जिक्र करते रहें कुरान की तिलावत करें फिर जब अजान हो तो अजान सुने उसका जवाब दें और अजान के बाद की दुआ मांगें अजान और अकामत के दरमियान का जो वक्त है सब दुआएं कबूल होती हैं उसको बातों में नहीं जाया करना ठीक है अजान का जवाब दें उसके बाद आप सोचें कि ये तो दुआओं की कबूलियत का वक्त है अभी तो मैंने सब खूब दुआएं मांगनी है अच्छी सफ बनाए अकामत खामोशी से सुने और फर्ज नमाज खुशु से अदा करने की कोशिश करें मस्जिद नबी में एक नमाज का अजर एक हजार नमाजों के बराबर है हर नमाज मस्जिद में अदा करने की कोशिश करें ठीक है अब देखिये अल्लाह से कि कोई तकलीफ है बीमारी है कोई उजर है उसके बगैर आपने ना मस्जिद में नमाज नहीं छोड़नी ना आपने मस्जिद नबी में और ना आपने मस्जिद हराम में अपनी तरफ से नीयत करें अल्लाह से तोफ़ीक मांगे दो के अल्लाह आपको तोफीक दे अल्लाह आपके लिए आसानी करे लेकिन आप देखिये बाजवा लोग जाते हैं और पूरा दिन सोने में गुजार देते हैं तो मैं अपने आप मुझे भी आप देखें ये हम सबके साथ होगा जेट लैग भी होता है थकावट भी होती है लेकिन मुझे जिस चीज़ ने हेल्प की थी मैं कहती थी, थी कि घर जाके सोना ही है ना फिर ना तो ये जगह दोबारा मिलेगी ना ये मौके मिलेंगे तो इट्स ओके अगर मैं पांच घंटे के बजाय दो घंटे सो जाऊं या सात घंटे के बजाय पांच घंटे सो जाऊं तो मुझे मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी आपने अपने आप को खुद पुश करना है ठीक है फिर इसी तरह आप देखें कि फ़र्ज नमाज के साथ नवाफिल का भी तमाम करें जैसे आप जल्दी चले जाते हैं फजर के लिए जैसे अलहदुल्ला आप अगर फोर्टी फाइव मिनट्स पहले जाते हैं तो तहजद का टाइम है माशा तो जाके तहजद के नफल पढ़ लें फिर अगर आप जहर से पहले चले जाते हैं आधा घंटा तो वो आप देखें जहर के जब तक जवाल का टाइम नहीं शुरू होता तब तक आप नवाफिल पढ़ सकते हैं तो आपको जब भी मौका मिले नफल पढ़ें जब नवाफिल का वक्तनी जैसे ममनू औकात है उन उस वक्त कुरान की तिलावत करें असकार और दुआएं खास हो सलाम की कसरत करें जमजम पिए दूसरों को भी सर्व करें मुस्कुराहट का सदका करें जो सिस्टर्स आ, आगे पीछे बैठी हैं उनको मुस्कुराएं उनके लिए आबि जमजम लेकर आए नेकियां कमाएं फिर दूसरों के लिए जगह बनाए बाजार लोग चल रहे होते हैं ढूंढ रहे होते हैं तो अगर आपके पास जगह है तो आप अपने साथ उनके लिए जगह बना सकते हैं तो इसी तरह अपने फोन का रिंगर वाइब्रेटर पे रखें आप देखें कि एक तो रिंग टोन बहुत अजीबो गरीब बहुत लाउड होती हैं तो नमाज के दौरान जब ऐसी चीजें बज रही होती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता ना तो बाकी लोग जो करते हैं उनका मामला आप उनके साथ ही रहने दें हमें अपनी फिक्र करनी और मुझे अपने फोन का रिंगर ना ऑफ रखना है फिर तो इसी तरह अपनी मौजूदगी से दूसरों को फायदा पहुंचाएं जो भी आप कर सकते हैं आप करें और इसी तरह मास्क भी पहन के रखना आपने इनशाला नकाब नहीं वो एक्सेप्ट करते नकाब भी आप अगर करते ना तो फिर भी आपको मास्क लगाना है क्योंकि मेरी बहन थी साथ उसने, वो भूल गई एक दिन तो उसने कहा कि नहीं मेरा नकाब है तो उसने कहा नहीं मा वेर इज योर मास्क वेर इज योर मास्क फिर गए और फिर मास्क लेकर आए तो बहरा मास्क मैंडेटरी एक एक्स्ट्रा ना बैग में लें जो भी आपका मस्जिद का बैग होगा ना ताकि खुदा न तो आपके बैग में हो फिर इसी तरह आप देखें कि नमाज जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान हम सबको मौका देते हैं कि हम वहां पे नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने उस चीज को, को से भी अपने आप को ना जैसे कोशिश करनी कि आप नमाज जनाजा पढ़ें और इसमें क्या होता है कि हर नमाज के बाद ना ऐलान किया जा على والطفل يرحمكم الله ठीक है ये वाली अनाउंसमेंट होती है असला तो और अगर बच्चा भी किसी का हो तो वल तिफली भी होता है यार हम हुकुमल के अल्लाह उन पर रहम करे ठीक है अच्छा ये अनाउंसमेंट होती है फिर उसके बाद ना तकरीबन आई थिंक फिर सारी जो मैयत होती है वो लेकर आते हैं रखते हैं वहां पर तो तकरीबन एक मिनट के बाद फिर नमाज जनाजा शुरू हो जाती है और नमाज जनाजा का तरीका क्या है आप देखें कि सबसे पहले एक तकबीर होगी और वो कहेंगे अल्लाह अकबर ये पूरी नमाज ना खड़े होके पढ़ी जाती है तो वो तक कहेंगे अल्लाह अकबर फिर वो खामोश हो जाते हैं तो अब जब वो खामोश हो जाए तो पहली तकबीर के बाद आपने सूर्य फातहा पढ़नी और उसके बाद फिर सूरत फिर दोबारा वो अल्लाह अकबर कहेंगे फिर आपने हाथ उठाने हैं फिर आप दरुद इब्राहिमी पढ़ेंगे फिर वो दोबारा अल्लाह अकबर कहेंगे फिर आपने मैय की मफफरत की दुआ मांगनी है और दूसरी भी दुआएं आप मांग सकते हैं अम्म मौत की मौत की हिदायत की आखिरत में खैर भलाइयों की फिर आखिरी तकबीर और उसके बाद एक सलाम होता है ये दुआ जो है इसको याद कर लीजिए अलहमदल ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है सब पर अप्लाई हो जाती है क्योंकि आप देखिए इसमें मर्द भी आ जाते हैं औरतें भी आ जाती हैं बच्चे भी आ जाते हैं गायब हाजिर तो इसको याद कर लीजिए ताकि आप जनाजे में मांग सकें अगर नहीं भी आपको दुआ याद तो जो भी आपको दुआएं याद है जैसे आप देखें वो एक एक दुआ है जो यूसुफ असलम ने मांगी थी फातिर समाति वन तबली ये फिदिनियरा तवफनी मुस्लिम बसअल इसी तरह एक और जो दुकुरानी दुआ है वो भी आप याद कर सकते हैं रबनालना सबकू निन न कर फ्रहीन तो ये भी आप मांग सकते हैं तो इसको भी अगर याद कर लें अगर आपके जाने में वक्त है ट्रेवलिंग के दौरान तो इनशा ताकि उस वक्त से ज्यादा फायदा उठा सकें फिर इसके बाद अम्म मसिद नब्वी के साथ ही बकी का कब्रिस्तान भी है तो जब आप उसके पास से गुजरे तब भी आप ये दुआ मांगे जो कि सुन्नत से साबित है फिर इसी तरह आप देखें कि आपको इन जो उमरा ग्रुप होता है तो उसमें ज्यारतें भी शामिल होती हैं तो खास खासतौर पर मस्जिद कुबा जरूर जाए वहां पर दो नफल पढ़े क्योंकि यहाँ पर दो नफल पढ़ने का स्वब एक उमरे के बराबर फिर मस्जिद किबला तैन है ये वो मस्जिद है जहाँ पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हुक्म आया था किबले की तब्दीली का तो वहां पर भी आप जरूर नफल पड़े फिर इसी तरह ओहद का पहाड़ है अल्हम्दुलिल्लाह उसको देखें और ये सोचें कि ये जन्नत का पहाड़ है और नबी वसल्लम इससे मोहब्बत करते थे तो आपने उस मोहब्बत से इस पहाड़ को देखना है फिर इसी तरह जबले ओहद के साथ ही ओहद की जो वहां पर कब्रें हैं उनकी मफफरत की वहां पर दुआ करें बहरल ये कुछ बातें थी उम्रे के हवाले से आई होप इस ट्रेनिंग से आपको फायदा हुआ होगा एक रिफ्लेक्शन जो मैं अपना शेयर करना चाहूँगी इस दफा जो मेरा ट्रिप था उसमें ये था कि एक आप देखें कि थोड़ा सा ये होता था ना कि आपको हर चीज के लिए परमिट चाहिए आपको जैसे खासतौर पर जब आप हरम में जाते हैं उमरे के लिए तवाफ के लिए नमाजों के लिए तो उसकी वजह से मैंने देखा था कि हमारे अंदर ना वैल्यू बहुत ज्यादा थी इबादत की ना क्योंकि पहले जब लोग जाते थे तो उनकी फिक्रें और होती थी क्योंकि हरम में जाना तो किसी के लिए मुश्किल नहीं था हर कोई जा सकता था लेकिन इस दफा मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इबादत पर बहुत ज्यादा फोकस था और बहुत फिक्र भी थी और मैं कहती हूँ अल्लाह सुबह का बहुत शुक्र है अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मौका दिया और अल्लाह ने अपने घर का तवाफ करने की तोफ़ी दी और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसानियाँ की और अल्लाह ताला हम सब के लिए इसी तरह आसानियाँ करे और बार बार हमें हज और उमरा करने की तोफ़ी अता फरमाए इंशाल्लाह ताला अगर आप में से कोई भी ऐसे आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनको उर्दू नहीं आती क्योंकि ज़रा आज की ट्रेनिंग तो सारी उर्दू में थी तो कल इंशाल्लाह ताला सेम ट्रेनिंग इंग्लिश में भी होगी सिस्टर मरियम सईद करेंगी सेम टाइम पर और सेम ही जूम का लिंक है तो अगर आप में से कोई भी अपने किसी फैमिली फ्रेंड्स को बताना चाहें जो उर्दू नहीं समझते बहुत सारी हमारे ऐसे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हैं टेलीग्राम का ऐप आपके पास है तो आप इसको डाउनलोड अगर कर लें इस चैनल को ज्वाइन कर लें तो अलहमदल्ला हम सारी अपनी प्रोग्राम्स की अपडेट्स जो हैं वो इसमें देते रहते हैं मैं आप सबकी बहुत शुक्र गुजार हूँ Uh, कि आप सब ने आज की ट्रेनिंग अटेंड की और मुझे मौका दिया कि uh, मैं कुछ बातें आप सबके साथ शेयर कर सकूं आप देखें ये बहुत क्विक सा ओवरव्यू था मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकी आपके लिए लेकिन आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह uh, किताबें भी मजीद पढ़ सकते हैं उसरत हाशमी के सेशन है उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं जो बहुत डिटेल में हर स्टेप को बताया गया है ठीक है चलिए यहाँ पे कंक्लूड करते हैं अपने सेशन को सुबह निकलना वो भी हम दिखा أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بياكم